हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अभिनेश शर्मा हेयर एंड वेलकम टू द क्राउन सक्सेस। सो एनालिसिस की सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर। लेकिन देखिए कितनी शानदार बात लिखी है, एक्सीलेंस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड नॉट एन एक्सीडेंट। कहने का मतलब है अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि एक्सीलेंस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कोई अचानक से कहीं से नहीं आती, धीरे 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 करके आप एक्सीलेंट होते जाते हो अपने वर्क में, आप मंझते चले जाते हो दूसरा उसमें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो राष्ट्रीय कल्याण कोष देखेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष, नेशनल वेलफेयर फंड, ये क्यों है, ये खिलाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया गया है इसका, तो इसलिए ये चर्चा में है। इसके बारे में हम देखेंगे ये राष्ट्रीय कल्याण कोष क्या है। अभी क्या हुआ है कि अगला टॉपिक जो है वो आरबीआई ने सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का सरप्लस दिया है। ठीक है, 99,122 करोड़ रुपए की राशि जो है सरप्लस की गवर्नमेंट को दी है, तो थोड़ा इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद एक डीआरडीओ की COVID-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट देखेंगे क्या है ये। अगला टॉपिक जो अभी आजकल आपको पता ही होगा कि व्हाट्सएप और गवर्नमेंट के बीच एक विवाद चल रहा है कि भैया व्हाट्सएप ने कुछ प्राइवेसी लगा रखी है, तो उस पर एक विवाद चल रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि उस प्राइवेसी को वापस लो आप, तो थोड़ा हम देखेंगे वो प्राइवेसी क्या है और क्या विवाद है, थोड़ा इसके बारे में हम देखेंगे। एक ये प्रोग्राम आया है वैक्स एंड स्क्रैच कार्यक्रम, इसके बारे में देखेंगे ये वैक्स एंड स्क्रैच कार्यक्रम क्या है। और ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये प्रीलिम्स के लिहाज से छोटे टॉपिक हैं, जैसे कला क्षेत्र फाउंडेशन, बावधान, ये चावल है, असम का चावल है ये, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये सुंदरलाल बहुगुणा, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है तो इसीलिए चर्चा में है, इनसे रिलेटेड एक चिपको मूवमेंट है, चिपको आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक के साथ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष। देखिए अब जो हम अपने लेक्चर पढ़ा करेंगे वो माइंड मैप की फॉर्म में पढ़ेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे। स्मार्ट स्टडी मतलब कि एक कम लोड में आपका सारा कुछ सिलेबस या टॉपिक कवर हो जाया करेंगे। उसमें क्या होता है कि हार्ड स्टडी होती है अब और याद नहीं रहती चीज़ें, लेकिन इसमें आप एकदम से रिविज़न भी कर लिया करेंगे और टॉपिक भी सारे कवर हो जाएंगे, तो हम इसी फॉर्म में पढ़ेंगे, माइंड मैप की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम पढ़, ये जो हमारा टॉपिक है पहला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष, ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, अभी जो कर्नाटक की वी तेजस्विनी बाई हैं, ठीक है, उनके लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि की मंजूरी हुई है। किसके द्वारा? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा कर्नाटक की वी तेजस्विनी बाई के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि को मंजूरी मिली है। अब क्या है कि तेजस्विनी जो है, तेजस्विनी ने क्या हुआ था इनका, तेजस्विनी ने, ये खिलाड़ी हैं, इन्होंने साल 2011 में अर्जुन पुरस्कार जीता, ठीक है, साल 2010 तथा 2014 के एशियाई खेलों में, जो एशियाई खेल होते हैं उनमें गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कबड्डी टीम की सदस्य थी ये। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो हम ये इसके कोष के बारे में देखेंगे, कोष क्या है, ये कोष कैसे यूज होता है। 1982 में स्थापित हुआ था ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष, ये जो है 1982 में इसकी स्थापना हुई। और ये किनको मिलता है, मतलब क्या क्या करता है, इसका कार्य क्या है, कि जो खिलाड़ी होते हैं देश का नाम ऊंचा करने वाले, ऐसे खिलाड़ी जो देश का नाम ऊंचा करते हैं और गरीब खिलाड़ियों की सहायता के लिए, जैसे कोई खिलाड़ी भाई वो है, क्या कहते हैं उसे, जैसे किसी खिलाड़ी कोई गरीब है, उसे कुछ समस्या है, उसके परिवार को कुछ समस्या है, तो उन सब की सहायता करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष से उनको वित्तीय मदद की जाती है। ठीक है, और जो इसमें अगला पॉइंट लिखा है, अगला पॉइंट यह कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों एवं कोचों की मदद करने हेतु इस कोष से वित्तीय सहायता मिलती है। ठीक है, मंत्रालय द्वारा, बाय मंत्रालय, ये बी नहीं है, ये बाय लिखा है, बाय मंत्रालय। ठीक है, तो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों एवं कोचों की मदद करने हेतु, जो कोच होते हैं ना उनकी मदद करने हेतु इस कोष से जो है वित्तीय सहायता दी जाती है उन्हें। अब फंड के बारे में, हम जैसे हमने पढ़ा फंड के बारे में कि यह कोष खेलों में जो देश का नाम गौरवान्वित करने वाले होते हैं तथा वर्तमान में दयनीय परिस्थितियों में रह रहे पूर्व उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता करने के एम से, ऑब्जेक्टिव से 1982 में स्थापित हुआ। ठीक है, इसमें क्या था, पहले
पिंच इसमें इस संशोधन इसके लिए इसमें हाल ही में भी संशोधन भी हुआ है, इसलिए चर्चा में भी है। ठीक, इस संशोधन में पहले क्या था, पेंशन का प्रावधान था लेकिन वह समाप्त कर दिया, लेकिन मेधावी खिलाड़ियों के लिए पहले से ही इसमें एक पेंशन योजना विद्यमान है। ये बात पेंशन योजना के बारे में थी। इसके बाद जो इसके उद्देश्य हैं, इसका यूज़ किस तरह से किया जाएगा, इस फंड का उपयोग जो है निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। ये जो कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कुछ वो होती है ना, कुछ गरीब हैं, गरीबों में मतलब गरीबी में कुछ खिलाड़ी रह रहे हैं, तो उनको उपयुक्त सहायता प्रदान की जाएगी इस फंड के माध्यम से। ठीक है, प्रतियोगिता की तैयारी के लिए आवश्यक सहायता, मतलब प्रतियोगिता की तैयारी के लिए कैसी सहायता, प्रतियोगिता की तैयारी करते समय क्या होता है कि प्रशिक्षण के दौरान जब ट्रेनिंग होती है या उसकी प्रिपरेशन की जाती है प्रतियोगिता की, तो कुछ प्रतियोगिता कुछ जो है खिलाड़ी जो है घायल हो जाते हैं, चोट लग जाती है उनके, तो उनके लिए कुछ उपयुक्त सहायता प्रदान की जाएगी इसमें। दूसरी चीज़, किसी ये जो है खिलाड़ी का मतलब किसी भी चोट लगने से या कुछ कोई ऐसी दुर्भावनापूर्ण क्या कहते हैं कुछ घटना घटने से, ऐसी कोई खिलाड़ी विकलांग हो गया तो उनके विकलांग होने पर जो है उपयुक्त सहायता प्रदान की जाती है, और चिकित्सा उपचार जो होता है, जो उनका हॉस्पिटल की खर्च वगैरह होता है, वो इस कोर्स के माध्यम से किया जाता है। तीसरा पॉइंट, खिलाड़ियों के कल्याण हेतु जो फंड होता है उसकी धनराशि का उपयोग किया जाता है। चौथा, किसी खिलाड़ी के लिए व्यक्तिगत रूप से या किसी समूह को सक्रिय खिलाड़ी कोष की धनराशि का आवंटन एवं उपयोग करना, ये सब काम इसमें किए जाते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि मेंस के लिहाज से है। ठीक है, पीआईबी से ये न्यूज़ आई हुई है, मेंस के लिहाज से क्वेश्चन इसमें बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या है कि मतलब जैसे कि इसमें क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है मेंस के लिहाज से कि खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना की मुख्य विशेषताएं, पात्रता और महत्व बताइए। इस तरह का क्वेश्चन इसमें बन सकता है। मैं अगले लेक्चर से क्या करूंगा, कुछ मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करेंगे जो कि मेंस के और प्रीलिम्स के लिहाज से होंगे, उनको मैं एक साइड में लिख दिया करूंगा या इसमें एक कॉलम बना दिया करूंगा उसका, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम अगला टॉपिक हमारा डिस्कस करेंगे वो आरबीआई वाला डिस्कस करेंगे। अभी आरबीआई द्वारा सरकार को जो 99,122 करोड़ रुपए की अधिशेष राशि यानी सरप्लस ये ट्रांसफ़र हुआ है, इसके बारे में हम देखेंगे। अब ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि आरबीआई द्वारा 31 मार्च को समाप्त हुए, मतलब 31 मार्च को समाप्त हुए 9 महीने की लेखा अवधि के सरप्लस 99,122 करोड़ रुपयों का सरकार के लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा इन पैसों का। क्यों, ये जो है आकस्मिक जोखिम जो होगा उसको मतलब उससे निपटने के लिए ये राशि जो है आरबीआई द्वारा ट्रांसफ़र की गई है। दूसरा, इस निर्णय का महत्व क्यों है, मतलब क्या महत्व है, एक क्यों करा जा रहा है ऐसा। इसका महत्व इसलिए है कि वर्तमान में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में देश जो है कोरोना वायरस की जो इसकी सेकेंड वेव है उससे जूझ रहा है। बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड लेवल पर संक्रमण और मौत के मामले देखे जा रहे हैं, जैसा आपको भी पता है इस चीज़ का कि हाई लेवल पर मौतें हो रही हैं, संक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में आरबीआई द्वारा क्या हो रहा है, इस राशि के ट्रांसफ़र से वित्तीय मदद मिलेगी। दूसरा, वायरस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लगाई गई पाबंदियों ने देश की आर्थिक रिकवरी पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। ठीक, अब इसमें जो प्रावधान है वो ये है कि आरबीआई जो है 1934 में स्थापित हुई, आरबीआई की स्थापना 1934 में हुई और 1934 अधिनियम के अकॉर्डिंग केंद्रीय बैंक द्वारा अपने क्रियाकलापों से अर्जित होने वाले लाभ, मतलब केंद्रीय बैंक द्वारा जो क्रियाकलाप करे जाते हैं उससे जो लाभ मिलता है वो केंद्र सरकार के लिए सौंप दिए जाएंगे। ठीक, ये वाली बात इस अधिनियम में कही गई है। दूसरी बात, आरक्षित निधि की पर्याप्तता और अधिशेष वितरण नीति की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2013 में YH मालेगाम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। आरबीआई बोर्ड की एक तकनीकी समिति ने सरकार को अधिक राशि का अंतरण किए जाने संबंधी सिफारिश की थी। ठीक, अब हम देखते हैं कि आरबीआई की आय कहाँ से आती है, मतलब कहाँ से आरबीआई की आय आती है, फिर देखेंगे कि आरबीआई का खर्च क्या है। जो विदेशी मुद्रा होती है ना, विदेशी मुद्रा अस्थियों पर जो लाभ अर्जित किया जाता है, विदेशी मुद्रा अस्थियों पर जो लाभ अर्जित होता है वो आरबीआई की आय में आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, स्थानीय मुद्रा के जो स्थानीय लोकल मुद्रा होती है ना,
स्थानीय मुद्रा के सरकारी बॉन्ड या प्रतिभूतियों की जमाओं पर जो ब्याज होता है, और बैंकों के अत्यल्प अवधि मतलब कम अवधि जैसे रात भर के लिए दिए जाने वाले ऋणों पर जो ब्याज मिलता है वो आरबीआई की आय में शामिल होता है। तीसरा पॉइंट, जो राज्य सरकारें होती हैं और केंद्र सरकारें होती हैं, तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की उधारी को संभालने के लिए जो कमीशन होता है, कमीशन मिलता है ना, तो उस वो कमीशन आरबीआई की आय में शामिल होता है। अगला, आरबीआई का खर्च क्या है? नोटों की छपाई और कर्मचारियों पर होने वाला खर्च। इसके अलावा रिजर्व बैंक जो है बैंक के लिए देश भर में सरकार की ओर से लेन देन करने हेतु तथा बैंकों और प्राथमिक डीलरों को इनमें से कुछ ऋणों का अंडरराइटिंग करने के लिए कमीशन देता है। ठीक, ये आरबीआई का खर्च है। इस टॉपिक के बारे में हमने इतना जाना। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो डीआरडीओ कोविड 19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट के बारे में देखेंगे कि डीआरडीओ कोविड 19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट क्या है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने डिस्कस किया था एक टॉपिक कि ये डीआरडीओ की एक 2DG करके दवा बनी है, वो कोरोना विषाणु की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट के बारे में देखेंगे चर्चा में क्यों है। अभी क्या हुआ है कि डिपकोवन नामक एक इन्होंने कोविड 19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है, डिपकोवन नामक, यानी कि डीआरडीओ की डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस जो ये लैब है, प्रयोगशाला है, इसके द्वारा डिपकोवन नामक एक कोविड 19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की गई है, डेवलप की गई है। अब थोड़ा सा डिपकोवन के बारे में देखेंगे हम, डिपकोवन किट ये है क्या। ठीक है, जो ये डिपकोवन किट है ये 97% उच्च संवेदनशीलता मतलब हाई सेंसिटिविटी और 99% विनिर्दिष्टता के साथ SARS-CoV-2 वायरस की स्पाइक के साथ साथ न्यूक्लियोकैप्सिड के जो एस एंड प्रोटीन होते हैं उन दोनों का पता लगा सकती है ये। ठीक है, जो इस किट की सेल्फ लाइफ है वो 18 महीने है। तीसरा, इसे जो है नई दिल्ली की कंपनी वैनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, इसे न्यू दिल्ली की कंपनी वैनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से डेवलप किया गया है। चौथा पॉइंट, इसमें जो एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है इसको अप्रैल 2021 में जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा अनुमोदित किया गया है इसको। ठीक, ये हमारे डिपकोवन के बारे में था कि डिपकोवन जो है इसकी किट सेल्फ लाइफ 18 महीने, नई दिल्ली की कंपनी वैनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इसको डेवलप किया गया, और बाकी ये पॉइंट जो है ये था डिपकोवन के बारे में। अब हम देखते हैं ये एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडी इसको क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है इसे एंटीबॉडी को। ठीक है, इसका दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिन है। ये जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उन्हें, बाह्य पदार्थ, उन्हें एंटीजन कहते हैं। तो बाह्य पदार्थ के मौजूद होने की प्रतिक्रिया में जो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित होने वाले रक्षक प्रोटीन होते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन को जो मतलब वही बाह्य पदार्थ, उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए एंटीबॉडी इनकी पहचान करते हैं और इन पर हमला करते हैं। तो ये मामला था डीआरडीओ की एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन क्या होते हैं, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है, दूसरा RT-PCR रैपिड एंटीबॉडी और रैपिड एंटीजन टेस्ट के मध्य अंतर बताइए, ये सब चीज़ें इसमें मतलब ये क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। दूसरा, एक जो मेंस के लिए इसमें क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट पर एक टिप्पणी करो, इस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। मैं अगले लेक्चर से क्वेश्चन जो है इसमें डाल दिया करूँगा, आपको क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और आप इन लेक्चर्स की PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसकी PDF अवेलेबल करा देता हूँ और क्वेश्चंस की सीरीज भी मैं वहीं पर अपलोड कर देता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ज़रूर। ठीक है, इसके बाद जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो अगला टॉपिक क्या होगा कि देखिए ये लड़ाई चल रही है आपस में। ठीक है, कोई एक बंदा यहाँ पे सुलह करा रहा है लेकिन सुलह हो नहीं पा रही है अभी, इन्होंने रोका हुआ है कि वरना लड़ाई हो जाएगी यहाँ पे, इनमें विवाद चल रहा है आपस में। तो ये विवाद किस किसके बीच है, ये विवाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और व्हाट्सएप के बीच चल रहा है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि व्हाट्सएप ने एक अपनी जो है पॉलिसीज़ बदली हैं, जिसमें उसने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ लगाई हैं जो नुकसान दे रही है, मतलब डेटा जो है अपने इंडिया का डेटा बाहर जा सकता है उसमें।
ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि आईटी मिनिस्ट्री और व्हाट्सएप के बीच अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बातचीत चल रही है, ठीक है, जिसमें क्या हुआ है, मंत्रालय ने चुनौती देकर, जो आईटी मिनिस्ट्री है ना, उसने चुनौती देकर व्हाट्सएप की पॉलिसी को वापस लेने को कहा है। उन्होंने व्हाट्सएप से कहा है कि जो आपकी ये गोपनीयता नीति वाली जो पॉलिसी है इसको आप वापस लो, अन्यथा मंत्रालय ने इन्हें 25 मई तक की वो दिया है, टाइम दिया है कि आप 25 मई तक हमें संतोषजनक जवाब दो, वरना जो है कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज इसमें जो इसकी विशेषताएं हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं कि तीसरे पक्ष की सेवाओं के साथ जानकारी साझा करना, तीसरे पक्ष की सेवाओं का मतलब जैसे जैसे उपयोगकर्ता होता है ना, तो जब उपयोगकर्ता तीसरे पक्ष की सेवाओं या व्हाट्सएप सेवाओं के साथ एकीकृत फेसबुक कंपनी के अन्य उत्पादों पर यकीन करते हैं, समझे, जब उपयोगकर्ता तीसरे पक्ष की सेवाओं या व्हाट्सएप सेवाओं के साथ एकीकृत फेसबुक कंपनी के अन्य उत्पादों पर यकीन करते हैं, तब उपयोगकर्ता तथा साझा करने वाले, मतलब चीज़ों को साझा करने वाले होते हैं ना, तो ऐसे साझा करने वाले अन्य लोगों के बारे में उन तीसरे पक्ष की सेवाओं को जानकारी हासिल हो सकती है। ठीक, ये चीज़ इस बात इस लाइन में ये वाली बात कही गई है कि इसकी प्रमुख विशेषता गोपनीयता नीति है क्या, ये व्हाट्सएप की पॉलिसी है क्या, ये इसके बारे में जान रहे हैं हम। अच्छा, हार्डवेयर की जानकारी हो सकती है, हार्डवेयर की जानकारी मतलब जैसे व्हाट्सएप क्या होता है, व्हाट्सएप उपयोगकर्ता के उपकरणों के जो बैटरी लेवल होता है ना, जैसे मोबाइल या कंप्यूटर जो भी है उसमें बैटरी लेवल, जो उनकी सिग्नल पावर होती है, जो ऐप कौन सा ऐप है, कौन सा वर्जन है, उसके ब्राउज़र की जानकारी कि कौन से ब्राउज़र इसमें यूज़ हो रहा है, मोबाइल नेटवर्क कौन सा है, कनेक्शन की जानकारी कि भाई कनेक्शन जैसे क्या कहते हैं, फ़ोन नंबर हो सकता है, मोबाइल ऑपरेटर हो सकता है, या ISP सहित इस तरह की जानकारी जो है इसमें एकत्र कर सकता है व्हाट्सएप। तीसरी बात, इसमें अकाउंट डिलीट करना, अकाउंट डिलीट करना मतलब यदि कोई उपयोगकर्ता ऐप में दी गई प्रक्रिया का उपयोग किए बिना, मतलब ऐप में जो प्रक्रिया दी गई है ना, व्हाट्सएप में जो प्रक्रिया दी गई है उसका उपयोग किए बिना अपने डिवाइस से व्हाट्सएप ऐप को हटा देता है, मतलब जिस तरह की उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है उन गाइडलाइन का प्रयोग ना करके अपने ऐप अपने जो है डिवाइस से, मोबाइल से, टैब से, जिससे भी अगर व्हाट्सएप को हटा देता है तो उपयोगकर्ता की जानकारी प्लेटफॉर्म में फिर भी रहेगी, मतलब वो डिलीट नहीं होगी, वो फिर भी उसमें जो है प्लेटफॉर्म में संग्रहित रहेगी। ठीक, अगला क्या, डेटा स्टोरेज की बात कही है इन्होंने। व्हाट्सएप कहता है कि वह फेसबुक की वैश्विक अवसंरचनाओं, जो फेसबुक की वैश्विक अवसंरचनाएं हैं और डेटा केंद्रों का उपयोग करता है, व्हाट्सएप ने यह बात साफ कही है, और यह भी कहा है कि कुछ मामलों में उपयोगकर्ताओं के डेटा को USA अथवा जिन स्थानों पर फेसबुक की सहयोगी कंपनियां हैं वहां ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात व्हाट्सएप ने कही है, साफ सीधी कह रखा है कि उसने तो भैया कि सारा डेटा वो USA और जगह जगह ट्रांसफ़र करेगा, इससे नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा, इसकी अवस्थिति भी हो सकती है। अवस्थिति मतलब भले ही कोई उपयोगकर्ता अपनी अवस्थिति संबंधी सुविधाओं का उपयोग नहीं करता है, समझे, लोकेशन ये सब, तो भी व्हाट्सएप उसकी सामान्य अवस्थिति, जो शहर में है, देश है, कौन सा देश है, कौन सा शहर है, इन सब का पता लगा के, मतलब इन सब के लिए IP पते और फ़ोन नंबर, क्षेत्र कोड जैसी जानकारी वो ले सकता है। ये व्हाट्सएप की एक पॉलिसी में ये भी लिखा है, जो आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो भुगतान सेवा के बारे में व्हाट्सएप का क्या कहना है। इसमें व्हाट्सएप कहता है कि अगर कोई भी उपयोगकर्ता अपनी भुगतान सेवाओं का उपयोग करता है तो वे आपके बारे में अतिरिक्त जानकारी संसाधित करेंगे, मतलब जिसमें भुगतान खाता, जो आपका अकाउंट है, मतलब बैलेंस ट्रांसफ़र करने वाला, भुगतान करने वाला, पेमेंट करने वाला जो अकाउंट है और उसके लेन देन की जानकारी सब कुछ वो जो है व्हाट्सएप ले सकता है उसको। ये सब बातें व्हाट्सएप ने कही हैं अपनी पॉलिसी में। अब इसमें क्या हो सकता है कि जो इसकी आलोचना हो रही है गोपनीयता नीति की, वो आलोचना क्यों हो रही है, आलोचना इसकी इसलिए हो रही है, एक सेकेंड ये रहा, हाँ, व्हाट्सएप की नई नीति जो है वो डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को आधार प्रदान करने वाली श्री कृष्ण समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों की अवहेलना करती है। दूसरा पॉइंट जो इसकी आलोचना का है वो ये है कि डेटा स्थानीयकरण के सिद्धांत का उद्देश्य निजी डेटा का देश के बाहर हस्तांतरण पर रोक लगाना है, मतलब कि जो निजी डेटा है वो देश के बाहर हस्तांतरित नहीं होना चाहिए, उस पर रोक लगाना है, ये डेटा स्थानीयकरण के सिद्धांत का जो उद्देश्य है।
तीसरा जो इसकी आलोचना हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जो नई गोपनीयता नीति के लागू होने पर व्हाट्सएप किसी उपयोगकर्ता का मेटा डेटा भी साझा कर सकता है। मेटा डेटा मतलब जो वार्तालाप के मूल संदेश होते हैं ना, उनके अलावा सब कुछ साझा किया जा सकता है। मतलब जैसे हम चैट करते हैं तो उसके अलावा बाकी सब कुछ साझा किया जा सकता है, उसे मेटा डेटा कहते हैं। मतलब आपके फोटोज़ वगैरह या जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ साझा किया जा सकता है, इसे मेटा डेटा कहते हैं। तो इन सब पॉलिसीज़ को लेकर जो है मंत्रालय ने फटकार लगाई है या बात की करी है कि ये सब पॉलिसी जो है इंडिया से वापस लो। इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिमांड्स व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी टू बी ब्लॉक्ड इन इंडिया, ठीक है। तो इसलिए ये इनमें विवाद की स्थिति बनी हुई है। अभी सुलह का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, देखते हैं क्या होता है। क्या 25 मई तक की गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई है, देखते हैं व्हाट्सएप की तरफ से क्या जवाब आता है, फिर हम पढ़ते हैं उसके बारे में कि क्या जवाब आया, क्या हुआ इसके बारे में। तो चलिए इसके बाद जो हम अगले टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे वो प्रीलिम्स के लिहाज से छोटे टॉपिक हैं। जैसे न्यूयॉर्क का एक प्रोग्राम चलाया वैक्स एंड स्क्रैच कार्यक्रम, ये क्या है, एक टीकाकरण प्रोग्राम है। मतलब कोविड के लिए टीका लगाया जाएगा। अब इसमें जो है एक प्रोग्राम चलाया, किस तरह चलाया ये, इसके तहत क्या होगा, राज्य द्वारा संचालित जो 10 वेबसाइट हैं, मतलब राज्य एक 10 वेबसाइटों का वो बनाएगा, अपनी लिस्ट बनाएगा, और उन 10 वेबसाइटों में से किसी एक से टीकाकरण कराने का विकल्प चुनने पर, किसी एक वेबसाइट से टीकाकरण कराने का विकल्प चुनने पर 18 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों को, 18 साल से जो अधिक आयु के व्यक्ति हैं उनका मुफ्त लॉटरी टिकट प्रदान किया जाएगा, ये कार्यक्रम में बात कही गई है इसमें। दूसरा, इस कार्यक्रम के तहत वैक्स एंड स्क्रैच कार्यक्रम के तहत राज्य भर के जो खुदरा विक्रेता हैं उनके द्वारा $20 में बेचे जाने वाले लॉटरी टिकट 18 साल से अधिक आयु वालों को फ्री दिए जाएंगे, ठीक है। ये बात इसमें वैक्स एंड स्क्रैच कार्यक्रम में कही गई है कि अंडर द प्रोग्राम लॉटरी टिकट्स दैट आर अदरवाइज सोल्ड फॉर $20 बाय रिटेलर्स अक्रॉस द स्टेट विल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू दोज अबव द एज ऑफ 18, ठीक है। ये था न्यूयॉर्क वैक्स एंड स्क्रैच प्रोग्राम। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, अगला टॉपिक वो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस क्या है और इसकी थीम क्या है। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ना, ये 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में ये मनाया जाता है। और जो इसकी इस साल की थीम है वो है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इसकी थोड़ी बैकग्राउंड देखते हैं हम। जो ये दिवस है इसका जो संकल्प था वो वर्ष 1992 में पारित हुआ, ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई मनाने की इस दिवस को वो 1993 से हुई और 2000 तक इसे हर साल 29 दिसंबर को मनाया जाता था, ठीक। 1992 में ये पास हुआ, 1993 से इसकी शुरुआत हुई और 2000 तक इसे हर साल 29 दिसंबर को मनाया जाता था। और 29 दिसंबर को जैविक विविधता अभी समय लागू भी हुआ था। अब बाद में क्या हुआ, बाद में इसमें थोड़ा संशोधन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अभी समय को अपनाए जाने की तिथि, जो अर्थात 22 मई को मनाए जाने का निश्चय किया, इसे 29 दिसंबर से हटाकर 22 मई को मनाया जाने लगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अभी 22 मई को मनाया गया है इसलिए ये चर्चा में है। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कला क्षेत्र फाउंडेशन के बारे में देखेंगे। ये क्या है, देखिए, कला क्षेत्र जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये कलात्मक उपक्रम जो होते हैं उनका एक केंद्र है। जैसे कलात्मक उपक्रम भारतीय कला में शिल्प और पारंपरिक मूल्यों, जैसे विशेष रूप से भरतनाट्यम नृत्य, गंधर्व वेद संगीत के क्षेत्र में इनके संरक्षण हेतु समर्पित एक कला और संस्कृति अकेडमी है ये कला क्षेत्र फाउंडेशन, जो इसकी स्थापना की गई वो रुक्मणी देवी अरुंडेल नाम की महिला द्वारा 1936 में की गई। रुक्मणी देवी अरुंडेल नाम की महिला ने 1936 में इसकी स्थापना करी। और इसकी जो स्थापना का उद्देश्य था, इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य एक ऐसे सपने को सच करना था जहां भारतीय परंपराओं का सार कलात्मक शिक्षा के माध्यम से अभिव्यक्ति होगा, ठीक। ये बात इसमें कही गई है। चेन्नई में ये स्थित है और आज ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है ये। 1994 में इसको भारत की संसद द्वारा एक अधिनियम द्वारा कला क्षेत्र फाउंडेशन को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी गई 1994 में, कला क्षेत्र फाउंडेशन को, ठीक है। प्रीलिम्स के लिहाज से छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आप इसे ध्यान रखेंगे कला क्षेत्र फाउंडेशन के बारे में। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो दो टॉपिक है हमारे, एक बाऊधान के बारे में देखेंगे। बाऊधान क्या है, ये एक तरह की चावल की किस्म है ये, ठीक है, असम की किस्म है ये चावल की। और दूसरा टॉपिक हम सुंदरलाल बहुगुणा और चिपको मूवमेंट के बारे में देखेंगे, ठीक। अब बाऊधान क्या है, ये देखिए ये चावल है, लाल चावल कहते हैं इसे। असम में उत्पादित होने वाले बाऊधान की जो पहली खेप थी वो अमेरिका भेजी गई है, ठीक है। आयरन से भरपूर लाल चावल असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में किसी भी रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल के बिना उगाया जाता है। इसमें किसी भी तरह का रासायनिक उर्वरक नहीं मिला हुआ होता। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में इसमें मतलब कोई भी रासायनिक उर्वरक, कोई भी बाहर के कोई उर्वरक इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये बिना इसके इस्तेमाल के उगाया जाता है। अच्छा, चावल की इस किस्म को, जो इस तरह का चावल, ये लाल चावल उगाया जाता है, इसे बाऊधान कहते हैं। ये असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है, ठीक। ये लाल चावल देखिए बाऊधान प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इस तरह से पूछ लेता है कि ये कहाँ की फसल है, जैसे असम की फसल है, ये कहाँ उगाई जाती है, ये ब्रह्मपुत्र घाटी में उगाई जाती है बिना किसी रासायनिक उर्वरक के। इसके बाद जो हम आज का अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सुंदरलाल बहुगुणा और चिपको आंदोलन देखेंगे। ये सुंदरलाल बहुगुणा जी का भी निधन हुआ है हाल ही में, तो इसलिए ये चर्चा में, चिपको आंदोलन जो है चर्चा में आ गया। तो पहले थोड़ा सा बहुगुणा जी के बारे में देखते हैं, फिर देखेंगे हम अपने चिपके आंदोलन के बारे में, चिपको मूवमेंट के बारे में, ठीक। हाल ही में क्या हुआ, प्रसिद्ध पर्यावरणविद और गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा जी की मृत्यु हो गई। 1970 के दशक में हिमालय के जंगलों को बचाने के लिए शुरू किए गए चिपको आंदोलन की शुरुआत करने वाले अग्रणी नायकों में से एक थे। मतलब जो इन्होंने भी चिपको आंदोलन शुरू किया उसमें इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था, ठीक। बहुगुणा जी ने 1980 के दशक में हिमालय में बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ अभियान का नेतृत्व भी किया। मतलब जो बड़े बांध थे ना, उनके निर्माण के खिलाफ जो अभियान चलाए जा रहे थे उनका नेतृत्व भी किया। उन्हें इन्होंने टिहरी बांध के, जो टिहरी बांध है ना, उसके टिहरी बांध के निर्माण का जमकर विरोध किया और इसके खिलाफ दो बार लंबी भूख हड़ताल पर भी बैठे, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। टिहरी बांध तो बन के ही रहा। टिहरी गढ़वाल जो यूपी का हिस्सा था उस समय, उसमें शराबबंदी, शराब को बंद कराने के लिए जो महिला समूह या महिला मंडलों के आंदोलनों का भी नेतृत्व इन्होंने बहुगुणा जी ने करा, ठीक है। तो इनसे अभी, इनके निधन से जो जुड़कर चिपको मूवमेंट अभी हाल ही में चर्चा में आया है, तो इसके बारे में देखते हैं हम। चिपको मूवमेंट क्या है, ये जो ये चिपको आंदोलन है, ये भारत में वनों के संरक्षण के लिए, मतलब वनों की कटाई को रोकने के लिए स्टार्ट हुआ। 1973 उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई। और जो इसका उद्देश्य था, इस आंदोलन का, इसका उद्देश्य वनों को नष्ट होने से बचाना था, ठीक है। इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा, सुरक्षा देवी, गौरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, विरुष्का देवी, इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। इस आंदोलन के लिए सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में, चिपको आंदोलन के लिए सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जबकि चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक। आज के टॉपिक के लिए, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। सो प्लीज़ ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, चीज़ों को एनालाइज करते रहिए कि क्या चल रहा है आजकल, और जुड़े रहिए। थैंक यू।